हल होने वाली है इस सप्ताह में, आपके संतान के पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में अच्छी उन्नति होगी, अच्छा स्कूल कॉलेज मिल जाएगा, मनोनुकूल वातावरण तैयार होगा, और जिनको संतान नहीं हो रही है उनका योग भी बन सकता है, संतान के लिए अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए मधुरता बनी हुई है, प्रेम संबंधों जो खड़ा अटक चल रही थी उसमें मेल मुलाप हो सकता है, नए संबंध जुड़ सकते हैं, प्रेम मालाप से आपके संबंध मधुरता की ओर अग्रसर होंगे, और यश नाम भी आपका हो सकता है। साथ ही साथ में आपके शरीर में एक व्यक्तित्व की वृद्धि होगी, आप जिससे जो संभाषण करेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव उत्पादक वाणी बनेगी आपकी इस प्रकार से। साथ साथ में लाभ मार्ग में अवरोधक भी हैं, और विशेष रूप से बड़े भाई से कष्ट होने का संभावना है, बड़े भाई को कष्ट हो जाए या बड़े भाई से आपका विरोध हो जाए, उससे सावधान रहना, और साथ साथ में लाभ अच्छा होने वाला है। लाभ के मार्ग में जो श्रम जीवी व्यक्ति हैं, जो श्रम सीकर हैं, ऐसे लोगों के लिए खास करके मेहनत कश व्यक्तियों के लिए बहुत लाभ की योग है। अगर आपकी नौकरी छूट गई है तो नौकरी मिल सकती है, आपको अनेक स्रोतों से लाभ मिल सकता है, और आपको लाभान्वित होने के साथ अनेक स्रोतों से एक उत्तम फलदायक समय आने वाला है। साथ ही साथ में जिन लोगों का जो सप्ताह में जिन लोगों के रोग पुराने बने हुए हैं उन रोगों का विनाश होने का योग आ रहा है। वायु जनित पीड़ा होगी, गैसेज ट्रबल हो सकता है, और पैरों में कष्ट हो सकता है वायु से पीड़ा से, इसका सावधान ध्यान रखना है। और आपके मामा को खास करके विरोध मामा से हो सकता है, मामा से तकलीफ हो सकती, मामा को तकलीफ हो सकती है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है मेष राज। अच्छा, दूसरा आपके जो है तो वाणी में ओजस्विता तेजस्विता रहेगी, संभाषण करने की अच्छी कला आपके अंदर आ रही है, और जिससे निर्भीकता से बोलने का आपका योग है। थोड़ा वाणी में अहंकार झलके, अहंकार का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह आपको थोड़ा अहम में थोड़ा कष्टदायक बन सकता है, कुछ भी किसी से बोल सकते हैं, वाणी में लगाम नहीं हो सकती, इसका विशेष ध्यान रखना है। साथ साथ में आपके अचानक जो है सो धन से संबंधित परिवार में कुछ बिगाड़ की संभावना दिख रही है, एकदम सेपरेशन की स्थिति निर्मित हो रही है, अलगाव बंद होने की स्थिति हो रही है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो है सो राहु महाराज बहुत उत्तम ना हो करके एकदम निकृष्ट फलदायक होने वाले हैं। साथ साथ में आपका जो गोचर ग्रह है, सबसे सप्ताह में अच्छा समय जो आपका आ रहा है वो आपका 22 और 23 तारीख में एक उत्तम फल देने वाला समय है। इस दिन आपको जहाँ उपलब्धि नहीं रही वहाँ पर उपलब्धि हो जाएगी, जिन लोगों से वातावरण ठीक नहीं था उसमें सुधार आने का संभावना है, और मधुरता का प्रयोग होगा, आमोद प्रमोदमय जीवन रहेगा, कहीं आने जाने में एक व्यवस्था अच्छी हो सकती है, और पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पत्नी के सहयोग से आपके बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं, और आपका मन मुटाव अगर पति पत्नी में चल रहा है तो उनका भी सहजता आ सकती है। इस प्रकार इस सप्ताह में आपके लिए पत्नी का सब अच्छा प्रेम बढ़ने वाला है। दैनिक आय में जो लगे व्यक्ति हैं उनकी आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, जो नित्य कमाते हैं नित्य खाते हैं ऐसे व्यक्तियों के दैनिक आय की वृद्धि होगी। क्या किराना व्यापारी के लिए खास करके बहुत लाभदायक समय है, किराना व्यापारी के लिए धन योग में बुध महाराज विराजमान है, इसलिए धन का संबंध अच्छा, जहाँ धन की अगर कमी आ रही तो शासन से आपको धन मिल सकता है, और खास करके शासन से संबंधित कोई भी कार्य आपके रुके हुए वो बन सकते हैं। इस सप्ताह में वृषभ राशि वालों के लिए एक मंगलमय समय है, और उनके लिए कोई विचार ज़्यादा नहीं करना है। आपके लिए मंगल 11वें भाव में उत्तम स्थिति में जाने वाले हैं, और लाभदायक सिद्ध होंगे, लाभदायक सिद्ध होने के साथ रोग और आपके संतान के लिए भी अच्छा फल देने वाले हैं, और आपके रक्त विकार से संबंधित कष्ट जरूर हो सकते हैं, उससे सावधान रहना है। इस प्रकार के वृषभ राशि वालों के लिए, और ख़ास करके आपका दूसरे स्थान पर
ग्रहण जो है 20 तारीख को 21 तारीख को जो पड़ने वाला ग्रहण है वो 21 तारीख का ग्रहण आपके लिए खास करके मनोवांछित फल देने वाला नहीं है, मध्यम फलदायक है। आपके धन के संबंध में थोड़ा परेशानी कर सकता है और परिवार में विरोध कर सकता है, इसलिए ग्रहण देखना नहीं चाहिए। उस दिन भगवान का आराधना पूजन करते रहेंगे तो 21 तारीख को पड़ने वाला ग्रहण वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा हो सकता है। बस इन्हीं हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।